गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नया इंटरव्यू ब्लॉग पे। और आज का जो हमारा गेस्ट है, इनको कोई भी इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इंडिया में अपना नाम रोशन कर चुका है यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। मगर फिर भी हमारे ऑडियंस के लिए मैं जरूर दानिश भाई से पूछूंगा कि भाई आप अगर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दो। थैंक यू सो मच सर अपने चैनल पे बुलाने के लिए। सर सर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा नाम कर लिया हूँ, बस इतना ही है कि बस अपना काम कर रहा हूँ अच्छे से और बस आप लोग की दुआ और सपोर्ट की जरूरत है। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम दानिश खान है और मेरे चैनल का नाम तुक्का है। यूट्यूब चैनल भी और फेसबुक भी दोनों सेम एक ही नाम से चल रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं पटना बिहार से हूँ। अच्छा, तो ये जो धानेश भाई है ये अपने आप को तो बड़प्पन दिखाते हुए बोल नहीं रहा है कि इतना अच्छा नाम कर लिया है, मगर अगर आप लोग इनके चैनल या इनके फेसबुक पेज पे विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के डेट पे 1 करोड़ तक जो है व्यू पहुंच रहा है इनके चैनल पे। तो ये बहुत ही बड़ा बात होता है कि भाई 1 करोड़ लोगों के दिल में अपना जगह जो है वो बना चुका है। तो इसी बात पे भाई एक बार आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये सब जो भी 1 करोड़ व्यूज की सर बात कर रहे हैं, ये सर सर के बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक के कारण ही हो पा रहा है। तो सर आपको भी मैं थैंक यू बोलूंगा कि आप अगर अच्छे से बता रहे हैं तो ही मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ। और दर्शकों को ये भी बता दूं कि आज के इस वीडियो पे भाई का अर्निंग भी रिवील होने वाला है दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब एंड फेसबुक पे। तो आप लोग जरूर वीडियो पे एंड तक बने रहना। तो भाई सबसे पहले, हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे एक स्ट्रगल होता है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी जीरो से ही स्टार्ट किया होगा जब फर्स्ट डे आपने यूट्यूब पे अगर पैर रखे हो तो वो स्ट्रगल के बारे में अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताओगे तो। सर स्ट्रगल क्या ही बोले, बहुत सारा स्ट्रगल रहा सर, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर कि अभी भी हम बहुत कुछ नाम कर लिए हैं, बस इतना है कि अभी भी उस मुकाम तक जहां पहुंचना है वहां तक पहुंच नहीं पाए। मगर हाँ, इतना तो है कि शुरुआत हो चुका है। अगर छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी का 2-3 स्टेप 2-3 सीढ़ी चढ़ चुके हैं छत पे चढ़ने के लिए। तो वही अगर थोड़ा सा न्यू क्रिएटर जो आपको देख रहे हैं, जो आपको देख के इंस्पायर होगा, मोटिवेट होगा, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहो। उनके लिए मैं इतना ही बोलूंगा सर कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, चाहे वो डिमोटिवेशन आपको आए व्यूज देखकर, चाहे वो डिमोटिवेशन आए आपके सामने आस पड़ोस जो भी चचा मौसा मामा मामू मामी जो भी बोलने वाले हो। हाँ। या फिर डिमोटिवेशन आए आपके स्ट्रगल पीरियड में आपके जो खुद के जो सगे फ्रेंड है, भाई बहन है। हाँ। जो बहुत ही ज्यादा पर्सनल लाइफ में तो आपसे बात करते हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, बट आपको जब वो देखते हैं कि आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आप वीडियो बना रहे हो, वीडियो क्रिएट कर रहे हो, तो वो लोग आपको पागल बोलेंगे। तो बस इतने ही बोलूंगा सर इसमें कि अगर पागल बोल रहे हैं वो लोग कि क्या पागलों वाली हरकत कर रहे हो, क्या पागलों वाली काम कर रहे हो, तो सच में अपने आप को पागल समझ लो। क्योंकि सर मैं आपको ऐसा बता दूं कि पागल का जो अर्थ निकल के आता है ना, जो मीनिंग निकल के आता है, प से प्रगतिशील, ग से गतिशील, ल से लगनशील। तो ये अगर आपको कोई पागल बोल रहा है तो सच में आप सक्सेस के रास्ते पे हो। तो इतना ही बोलूंगा कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है और पागल बनना है। बहुत अच्छा बात आपने ये कहा है, तो हर एक क्रिएटर ये नोट कर लो, अगर क्रिएटर बनना है तो पागल भी बनना है। पागल बनोगे तब भी आप क्रिएटर कहलाओगे। तो यहाँ पे भाई मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे कि आप पहले YouTube पे आए या पहले Facebook पे आए? पहले YouTube पे सर। तो YouTube से जर्नी आप लोगों का स्टार्ट हुआ, आज के डेट पे आपके YouTube चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है अगर थोड़ा सा बताओगे? 6,84,000 आप बोल सकते हो, 85 होने वाला है। अच्छा, तो हम लोग पकड़ते 6 लाख से ज्यादा है, तो 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर पकड़ लीजिए। अच्छा, 6,500, तो 6,500,000 जो आपने अचीव किया है उसको करने के लिए आपको कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा? सर YouTube की जर्नी की जहां तक बात करें तो 2017 में तो मैंने शुरुआत कर दिया था। अच्छा। YouTube को सीखना। अच्छा। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि YouTube होता क्या है, कैसे वीडियो एडिट होता है, कैसे वीडियो पोस्ट होता है,
कुछ भी मुझे उसके बारे में पता नहीं था। अच्छा मगर हाँ 2017 में मैंने देखना शुरू किया, बड़े बड़े क्रिएटर्स के समझना शुरू किया, देखना शुरू किया। 18 में मैंने चैनल अपना बनाया, अच्छा और 18 के बाद एक होता है ना कि उस समय मैं अपने कॉलेज में था, थर्ड ईयर का स्टूडेंट था शायद, अच्छा थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में। अच्छा तो कॉलेज फ्रेंड के साथ मिलकर सोचा कि कुछ बनाओ, बट उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में। मैं जबरदस्ती फोर्सफुली उनसे काम करवाता था, चाहे वो मेरे पास खुद का कैमरा तक नहीं था, मेरे पास खुद का ढंग का मोबाइल नहीं था कि मैं अपने मोबाइल से शूट करूं। मेरे फ्रेंड का मोबाइल लेकर मैं वीडियो बनाता था, और उनसे फिर वीडियो को नोट करके अपने रूममेट के लैपटॉप में मैं वीडियो को एडिट करता था। अच्छा, और वहां से ये चीज शुरुआत हुआ। कहीं ना कहीं हर क्रिएटर का स्टोरी एक जैसा ही क्यों होता है? क्योंकि सर जो चाहत होती है ना करने की, हाँ, उन लोग के पास बस हिम्मत चाहिए, एक चाहत चाहिए। हाँ, और इनिशियल पीरियड पे आपके जो मतलब आप कह सकते हो आपका जो आइडिया था उस पे आप लोगों के फ्रेंड ने भी उतना सपोर्ट नहीं दिखाया इनिशियल स्टेज पे जब सर, आप वो लोग कर रहे थे जो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे ना, तो हाँ, वो लोग कर रहे थे मस्ती के लिए। अच्छा, मतलब सीरियस नहीं थे? सीरियस नहीं थे। अच्छा, और मैं इसको कर रहा था अपने लाइफ के लिए। अच्छा, मैं चाह रहा था कि मैं अगर कॉलेज खत्म करूं, अच्छा, तो मैं कॉलेज खत्म करने के बाद जॉब ना करूं, मेरा करियर इसी फील्ड में आगे बढ़े। मतलब इसको लेके ही आप फुल टाइम आगे बढ़ो? फुल टाइम मैं उसी समय से मैं सीरियस हो गया था। अच्छा अच्छा, बट बहुत सारे ऐसा दिक्कत और परेशानी आना स्टार्ट हो गया। ना कोई ढंग का टीम था, ना कोई ढंग का इक्विपमेंट्स थे मेरे पास। अच्छा, मगर एक और बात मैं सर आपके चैनल के माध्यम से ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, कि अगर उस समय मैं सोच रहा था सर कि मेरे पास ना ढंग के टीम है, ना ढंग के चैनल कैमरा है, ना ढंग का मोबाइल है, ना ढंग का कुछ भी मेरे पास नहीं था। मगर हाँ, मेरे पास क्या था सर, हिम्मत था। मेरे पास एक जुनून था कि मैं जुनून और हिम्मत के साथ काम करूं। वही जो आपने बोला पागलपन का डेफिनेशन, वही था आपके पास? बिल्कुल सर। तो वो चीज को मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर किसी भी कोई भी अगर अभी देख रहा है, और उनको लगता है कि उनको भी फ्यूचर में क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, फेसबुकर बनना है, तो बस इतना बोलूंगा कि ये डिसीजन आप ले रहे हो कि ये आपको बनना है, ना कि आपके फैमिली वाले को बनना है यूट्यूबर, ना कि आपके फ्रेंड को यूट्यूबर बनना है। सर अगर मुझे यूट्यूबर बनना था तो मैंने सोचा कि मुझे बनना है, किसी भी एक्सक्यूज का सामना नहीं करते हुए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं, पैसा नहीं है। तो सर एक मेरे पास ये था कि मुझे बनना है, ना कि दूसरे को बनना है। तो मैं बनता गया, चाहा कि मैं शुरू करता हूं, और जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे अच्छे अच्छे लोग मिलते गए, अच्छे अच्छे टीममेट मिलते गए। कुछ तो वही पागलपन, वही जुनून आज 2021 पे आपको 6 लाख क्रॉस करवा दिया है बोल सकते हैं सर, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर वो पागलपन खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं भूखा हूं सर। ये अच्छा है, इसका मतलब आपका जो गोल है वो अभी बहुत दूर है और आपको बढ़ना है आगे। सर सर बोल तो रहा हूँ कि अभी मैं भूखा हूँ और मेरा अभी भी पेट नहीं भरा है। तो ये अच्छा बात है, हर एक क्रिएटर को ऐसा ही रहना चाहिए, भूख हमेशा रहना चाहिए। जी सर, मुझे पेट अभी भरना है। अच्छा, ये तो रहा बात YouTube का, अब अगर मैं आपका Facebook के बारे में, इसका सफर कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओगे तो? Facebook के बारे में कुछ इतना बता दे सर, अगर शुरू से जैसे YouTube मैंने 2018 में स्टार्ट किया, उसके बाद 18 में बहुत सारी परेशानियां आई, उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैंने लगभग 2019 के स्टार्टिंग में मैं रेगुलर हो गया। अच्छा, कि मुझे YouTube करना है। उसके बाद से हुआ क्या कि धीरे धीरे वीडियो वायरल होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, YouTube पे। अच्छा, तो मैं खुश था कि चल भाई कहीं ना कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या सर कि फेसबुक के बारे में बताऊं कि मुझे फेसबुक के बारे में नॉलेज ही नहीं था कि फेसबुक पे क्या होता है। अच्छा, क्या कैसे होता है, इवन आज तक मुझे नॉलेज नहीं है फेसबुक के बारे में उतना ढंग का अगर बोला जाए तो। बट थैंक गॉड मेरे पास ढंग के टीम मिल गए। अच्छा, और उस टीम में लोग मेहनत करने वाले मिल गए, ढंग के नॉलेज वाले मिल गए। अच्छा, तो उसी में से एक रति नाम की मेरी, मतलब जब आप किसी काम को शुरू किए थे तब आपको बहुत डिफिकल्टी हो रहा था इनिशियल में, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते गए और आपके साथ आपके काफिला जुड़ता गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वही उसी में होता है। हाँ सर, बस
वही होता है। तो आज के डेट पे आपके फेसबुक पेज पे कितना फॉलोअर है? 4,02,000 बोल सकते हैं, 4,00,000। और ये मतलब लैंडमार्क आपने कितने दिनों के मेहनत में कंप्लीट किया? सर अगर बोले तो यहाँ पे हम फेसबुक स्टार्ट होने के 6 मंथ बाद, 6 से 7 मंथ, 8 मंथ के अंदर ये 4,00,000 क्रॉस हो चुका था। तो क्या यूट्यूब के साथ अगर कंपैरिजन करें तो फेसबुक पे फॉलोअर कम टाइम में ज्यादा हुआ या फिर दोनों प्लेटफॉर्म पे एक जैसा ही ग्रोथ हो रहा था? यूट्यूब पे थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, कंपेयर किया जाए और फेसबुक से, फेसबुक पे थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आपका कंटेंट किस टाइप का है, हालांकि आपके जो भी फॉलोअर ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है, मगर फिर भी मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों के लिए आप एक बार जरूर बताइए। सर मेरा कंटेंट, मैं प्रैंक वीडियोस बनाता हूँ, प्रैंक के साथ मैं कोशिश करता हूँ सोशल मैसेज देने का, सोशल वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे प्रैंक में होता क्या है सर कि बहुत सारे लोग वल्गरिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा। और वल्गर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। व्यूज के लिए और बहुत कुछ के लिए। तो आपका जो कंटेंट है प्रैंक या सोशल मैसेज वाला, वो फैमिली फ्रेंडली है आप कहना चाहते हैं? जी जी, मेरा ऐसा कंटेंट होता है सर कि आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, चाचा दादा दादी और पापा मम्मी और भाई बहन के साथ बैठ के देख सकते हो और पूरे फैमिली एंजॉय कर सकते हैं मेरे कंटेंट से, पूरे फैमिली सीख सकते हैं। अच्छा, तो सोशल मैसेज जैसे ही बोले तो हमारे दिमाग में एक ही चीज स्ट्राइक हो रहा है अभी, आपका जो एक वीडियो है सोशल मैसेज के ऊपर जो के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया आपने, थोड़ा सा अगर उस वीडियो के बारे में बताओगे कितना मिलियन व्यूज वीडियो पे आज के डेट पे है फेसबुक पे? सर आज के डेट पे अगर देखा जाए तो शायद 14 मिलियन प्लस 15 मिलियन के आसपास वो वीडियो है व्यूज के हिसाब से। अच्छा, और वो वीडियो कुछ ऐसा था, वो फैमिली इश्यू को लेकर था। अच्छा। फैमिली में कैसे एक बेटा और बहू मिलकर अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घर से। अच्छा अच्छा, विद्यालय मतलब उस तरीके से आपने एक मैसेज देने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही सेम कंटेंट आपने यूट्यूब पे भी डाला होगा? हाँ जी सर। तो उस कंटेंट का रेस्पॉन्स यूट्यूब पे कैसा था? यूट्यूब के हिसाब से उस समय यूट्यूब पे बेस्ट था और फेसबुक के हिसाब से फेसबुक का वन ऑफ द बेस्ट था और यूट्यूब के हिसाब से यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट था। यूट्यूब पे अभी भी वो उस कंटेंट पे 1 मिलियन के आसपास व्यूज है। अच्छा जी। अच्छा। और वो फेसबुक पे कितना मिलियन है अभी? 15 मिलियन शायद, 14 प्लस तो देखे थे, शायद 15 हो चुका होगा या फिर 15 होने वाला है। तो जितना रीच आपको फेसबुक पे इस कंटेंट को मिला है उतना रीच यूट्यूब पे नहीं मिला है? नहीं सर, नहीं मिला। अच्छा, तो ये तो आप मतलब मानते हो ना कि रीच के मामले में या वायरल फैक्टर के मामले में यूट्यूब से कहीं गुना मतलब ज्यादा जल्दी जल्दी फेसबुक पे वायरलिटी आता है? हाँ सर, वो डिपेंड करता है वो कंटेंट के हिसाब से। अच्छा, जैसे तो, मैं आप जैसे जैसे यहाँ पे एक मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो फेसबुक ऑडियंस देखती ही देखती है और फेसबुक पे वो वायरल होता ही होता है। अच्छा। और कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो यूट्यूब पे वायरल होता है और वो कंटेंट जो यूट्यूब पे वायरल कंटेंट ऐसा कुछ कंटेंट है वो फेसबुक पे वायरल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा, आपके इसी बात में मुझे मतलब एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गया है। आप जो कह रहे हो ना कि फेसबुक का आप कुछ कंटेंट होता है जो फेसबुक पे ही मतलब आग पकड़ेगा, वायरल होगा, और कुछ कंटेंट होता है यूट्यूब पे ही, ये एक्सपीरियंस आप अगर थोड़ा सा शेयर करोगे हमारे दर्शकों के साथ। सर जैसे मैंने बताया कि 2018 के मार्च महीना में मैंने चैनल क्रिएट किया। हाँ। और उस समय सर मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के हेल्प के मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। 6,00,000 6,50,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे और 4,00,000 सब्सक्राइबर है फेसबुक पे। फेसबुक पे मैंने बहुत कोशिश किया स्टार्टिंग में, किसी का सपोर्ट लू, किसी का हेल्प लू, किसी से कोलैब करूं, बट ये बड़े बड़े क्रिएटर्स से पॉसिबल हो नहीं पाया। अच्छा। और मैं जो भी सीखा हूं, किया हूं खुद के दम पे अपनी टीम के साथ मिलकर, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे नॉलेज देने वाले हैं जो फेसबुक के बारे में बताते हैं, जिसमें से आप उसमें से बेस्ट हैं जो फेसबुक के बारे में अच्छा नॉलेज देते हैं। और लोगों को अभी आप जो हो, आप अभी दीप्त नुशील ब्लॉग चैनल पे हो और आप जिस चैनल के बारे में शायद बात कर रहे हो ये वाला चैनल तो नहीं है।
तो आप कौन सा चैनल से मतलब हेल्प लेते हो अगर थोड़ा सा? डिफरेंशियल चैनल से अच्छा, तो वो आप जी। मेरा टेक चैनल के बारे में बात कर रहे हो? अच्छा हाँ जी, उसपे आपका मैं वीडियोस देखकर फेसबुक के बारे में मैं सीखा, उसके बाद यूट्यूब का बहुत सारे ऐसे नॉलेज के बारे में, बहुत सारे मुझे इवन बैंक डिटेल ऐड करने नहीं आता था यूट्यूब पे, तो मैंने ये सारा चीज देख देख कर सीखा और वहां से मैं इम्प्लीमेंट किया और धीरे धीरे अपनी टीम के साथ ये चीज बढ़ा, तो मुझे मतलब आप गर्व। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रुकूंगा, आप जो भी बोले हो ना कि आप धीरे धीरे सीखे हो, मतलब नॉलेज को गेन किए हो, तो बहुत यस सारे अभी क्रिएटर देख रहे होंगे जो क्रिएटर एकदम बिल्कुल नया है, तो उन लोगों को ये नॉलेज के मामले में आप क्या बताना चाहोगे? बस यही बोलेंगे कि सर करने से होता है, मतलब सीख सीख के करने से ना, बिल्कुल सर, ऐसा नहीं कि आप बस क्योंकि आज के सोच डेट में जो पेपर यंगस्टर यंगस्टर है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर होते हैं जो सोचते हैं पहले सक्सेस बाद में नॉलेज। के। यस सर बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं कि 10 वीडियो बनाते हैं और परेशान हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कि यार वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा है। तो उनको आप क्या एक्सपीरियंस अपना बताना चाहोगे? उनको मैं बस एक ही शब्द में बोलूंगा कि आपसे ना हो पाएगा, आप छोड़ दो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो, क्योंकि आपने ना इस चीज का पढ़ाई किया है। बहुत सारे लोग सोचते क्या है कि बस एक जीमेल उठाओ और यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें, फेसबुक आईडी उठाए और फेसबुक पेज क्रिएट कर लें और चैनल को पेज को वायरल कर दें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 100 करोड़ उठे और आपका वीडियो डाले और वायरल हो गया, मतलब वो आप इन शॉर्ट यही कहना चाहते हो कि लोगों अगर चाहते हैं कुछ करने के लिए तो उसके लिए उसको पेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल 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 सर, बिना पेशेंस का पॉसिबल ही नहीं है यूट्यूब। तो और आप एक और बात बोलूंगा, स्टार्टिंग में जो लोग अगर सोच रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है हाँ यूट्यूब या फेसबुक से, हाँ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप छोड़ दें इस चीज को, क्योंकि मतलब पैसा। आप ये कहना चाहते हो कि पैसा देख के कोई भी क्रिएटर ना आगे बढ़े, अपने बिल्कुल कंटेंट को लेके आगे बढ़े, कंटेंट बिल्कुल को सर, लेके आगे बढ़ेगा तो बाकी सब कुछ उसको खुद के खुद फॉलो करता जाएगा। बिल्कुल सर। सर मैं अच्छा अपने बारे में बता दूं, अभी मैं तो प्रैंक और सोशल मैसेज वीडियो बनाता हूं अपने हाँ मेन चैनल पे, हाँ हाँ बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे इतना टाइम लगा सीखने में, मैं आज भी अपने आप को वो नहीं होता है, कुछ ही % मैं बोलता हूँ कि मुझे इस सब चीज के बारे में नॉलेज है। अच्छा मैंने न्यूज चैनल पे काम किया है, मैं अच्छा न्यूज चैनल दूसरे के अंडर जाकर मैं न्यूज चैनल कैसे चलाते हैं, न्यूज वीडियो कैसे बनता है, अच्छा मुझे उसका नॉलेज है। उसके अच्छा बाद आर्टिफिशियल आर्ट एंड क्राफ्ट का जो चैनल होता है, हाँ जैसे 5 मिनट चैनल, बहुत यस सारे लोग जानते होंगे, जो इंडिया का वन वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, तो मैंने वहां पे उस चैनल के हिसाब से एक आर्ट कला के नाम से चैनल है जो इंडिया का नंबर 1 चैनल है। मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट काम किए और उससे सीखे हो, नॉलेज बिल्कुल को सर गेन बिल्कुल किए हो और उस नॉलेज और उस एक्सपीरियंस को अपने चैनल पे ढाले हो, तब जाके कुछ ईयर के बाद आपको आज इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मुझे रातों रात ये जो भी सब्सक्राइबर है, लोगों का प्यार है, तो मिल गया, हाँ, क्योंकि मेहनत है। लोगों को तो सिर्फ जब सक्सेस होते हैं तब स्टोरी पता चलता है, इसीलिए मैं बिहाइंड द स्ट्रगल आपसे पूछा, इसीलिए बिल्कुल ताकि जो भी क्रिएटर देख रहे हैं उसको एक मतलब प्रैक्टिकल समझ में आए चीज कैसे होता है और आगे इनको कैसे बढ़ना है। वन नाइट तो बिल्कुल कुछ नहीं होता, कुछ ओवरनाइट नहीं कुछ होता नहीं कुछ होता, मेहनत नहीं होता करते करते जो है कोई भी क्रिएटर हो वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे एक चीज यहाँ पे पूछूंगा कि ये जो आपने स्ट्रगल किया, ये जो आपने जितना भी सीखा, तो यहाँ से आप कोई भी पर्सनल ट्रिक्स या टिप्स देना चाहोगे किसी भी मेरे फेसबुक क्रिएटर भाई लोगों को या फिर यूट्यूब क्रिएटर भाई लोगों को? सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और ठीक मैं बहुत सारे लोगों को बताता भी हूँ, देता भी हूँ। अगर बहुत सारे लोग मेरे को आज भी रिक्वेस्ट करते मेरे से, और हमेशा करते रहते हैं, हर जगह मैसेज करते हैं कि भाई मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए, मेरे पेज को प्रमोट कर दीजिए, तो एक बात मैं बोलूंगा सर कि इंडिया का जो टॉप मोस्ट ये एक्टर है, शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, आमिर खान, ये सबसे भी प्रमोट करवा लो, तो आपके चैनल पे बस प्रमोशन हो जाएगा और 1 टाइम के लिए आपके चैनल पे व्यूज आ जाएगा। मतलब कि अगर आप दुकान एक खोल रहे हैं ना सर, तो दुकान पे आप जब तक सामान सजाओगे नहीं, दुकान पे जब तक अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सामान रखोगे नहीं,
तब तक आपके पास अगर कोई प्रमोट करता है उस दुकान का और वो ऑडियंस भेजता है, तो ऑडियंस आएगा एक टाइम के लिए और वो आपके दुकान से लौट जाएगा आकर, और दोबारा कभी आपके दुकान पे नहीं आएगा। तो बस इतना ही बोलेंगे सर कि दुकान को अच्छे से सजा कर रखो, दुकान पे अच्छे अच्छे सामान रखो जो लोगों के यूज के लिए है, लोगों का काम है उस दुकान से। लोग आएंगे, एक आएंगे वो अपने साथ, फिर अगला दिन दो लेकर आएंगे, दो आएंगे अगला दिन अपने साथ दस लेकर आएंगे सर। तो अगर आपके इसी थॉट को हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कंटेंट इज किंग। कंटेंट इज द किंग ऑफ मार्केट। यस एग्जैक्टली। तो अभी मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रैंक चैनल रन करते हो तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि प्रैंक चैनल रन करते हुए बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है बहुत सारे ऑब्स्ट्रकल आते हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, वो ऐसे ही कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता है, इनके बहुत सारे मतलब डू डोंट्स होते हैं। तो आप ये इस चीज को कैसे देखते हो और इस चीज को कैसे हैंडल करते हो? सर स्ट्रगल तो सारे फील्ड में है, सारे चीज में है। नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप किसी के ऊपर प्रैंक करने गए और वो प्रैंक किसी भी हालत में सही जाएगा इसका पहले से अंदाजा नहीं होता है, तो अगर वो कुछ गलत हो गया तो इस चीज को कैसे हैंडल करते हो ताकि आपके जैसा जो भी प्रैंक स्टार आगे चल के बनना चाहते हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए? सर होता क्या है ना कि एक सहज दिल के साथ, सहज लफ्जों के साथ आपको अगर स्ट्रेंजर पे प्रैंक करना है तो आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जाइए सामने वाले से बात करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी होता क्या है कि आपके मन में जो है वो नहीं निकल पाता है सामने वाले से, कभी कभी होता क्या है कि उनके मन में क्या है वो कुछ अपशब्द बोल देते हैं। तो ये सारे चीज को हैंडल करते हुए, सारे चीज को देखते हुए, अगर लास्ट में अगर सारा चीज सक्सेस हो जाता है तो उनसे एक बार परमिशन लेना पड़ता है कि क्या मैं ये वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। कभी कभी मैं अपने वीडियो में दिखाता भी हूँ कि मैंने परमिशन लिया, कभी कभी नहीं दिखा पाता हूँ। तो ये तो हुआ एक स्ट्रेंजर के साथ प्रैंक। और सोशल मैसेज, सोशल इश्यू के साथ जब मैं काम करता हूँ तो बाकायदा कैमरा लगाकर कुछ लोगों को पता रहता है, कुछ जो मेरे साथ रहते हैं वीडियो में उनको पता रहता है कि ये इस टाइप का वीडियो बनने वाला है। अच्छा। तो ये सारी चीज को एक साथ मैनेज करना पड़ता है और इसमें बहुत सारी दिक्कत और परेशानियां का सामना करना तो पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टोकूंगा एक चीज के लिए, क्या आपके जो प्रैंक होते हैं वो मैक्सिमम स्क्रिप्टेड होते हैं या फिर वो जो होते हैं रियलिटी भी दिखाने की कोशिश किया जाता है? रियल भी होता है और स्क्रिप्ट भी होता है। स्क्रिप्ट भी होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि रियल ही होना चाहिए तभी चैनल ग्रो होगा, स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। After all, आप प्रैंक के द्वारा एंटरटेन करने की कोशिश करते हो। सर मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा, जैसे आज ही मैं अपने फेसबुक पे लाइव किया था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप स्क्रिप्ट प्रैंक बनाते हो या फिर नॉन स्क्रिप्ट, इसका आंसर दीजिए। और आपके चैनल के द्वारा भी मैं बहुत सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि मैं प्रैंक स्क्रिप्ट है या नहीं है आप ये मत देखिए, एंटरटेनमेंट कितना हो रहा है या सोशल मैसेज कितना जा रहा है वो मायने रखता है। बिल्कुल, मैं उस वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो स्क्रिप्ट है और मैंने वीडियो अपलोड किया है तो वो आप देखिए कि मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है और क्या बताने की कोशिश की है। नॉन स्क्रिप्ट भी है तो क्या उसमें मैंने मैसेज देने की कोशिश की है? क्योंकि ये मत देखो कि बिल्कुल एक मैं क्रिएटर हूँ और मैं एक क्रिएटर जब वीडियो क्रिएट करता है तो बहुत सारा दिक्कत और परेशानियों का सामना होता है। Exactly. तो मैं अगर समय पे टाइम पे आपको अगर वीडियो दे रहा हूँ, इस लॉकडाउन और पैंडेमिक सिचुएशन में भी आपके पास अगर वीडियो जा रही है तो ये देखिए कि ये बंदा कितना डेडिकेटेड है कि आपको एंटरटेन करने के लिए वो वीडियो डाल रहा है और आपको एंटरटेन और मैसेज देने के लिए वीडियो डाल रहा है, ना कि वो स्क्रिप्ट है या नॉन स्क्रिप्ट है इसका आप छानबीन करना। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, ये मैं बहुत सारे क्रिएटर का पेन आपसे पूछा हूँ, जो भी नए क्रिएटर होता है स्पेशली और छोटे छोटे शहरों में से या छोटे छोटे गांव में से आते हैं, वो लोग कहते हैं कि बड़े सिटी में प्रैंक करना आसान है एज कम्पेयर टू छोटे विलेज, छोटे। तो इस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? हाँ सर, जैसे मैं पटना बिहार का इकलौता प्रैंक चैनल है मेरा जो थोड़ा सा अभी ग्रो पे है, हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रैंक चैनल है
बिहार के तो ये जो आप भी एक मतलब एज कंपेयर टू एक पर्टिकुलर गांव या पर्टिकुलर जगह से आते हो, तो आपको कोई डिफिकल्टी होता है, तो आपके जैसा बहुत सारे क्रिएटर को भी होता होगा, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे उस चीज को हैंडल करें? सर उस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था कि क्रिएटर आपको बनना है, ना कि दूसरे को, ना कि आपके फैमिली को, ना कि आपके दोस्त को, तो सर मैनेज करना पड़ता है सर, देखना पड़ता है। इवन बहुत सारे क्रिएटर जो नए होते हैं वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर सोच के जाता हूँ प्रैंक करूंगा, मगर कैमरा तक खोलने नहीं होता है, पूरा हाँ, ये दिन सर, खत्म हो जाता है और कंटेंट जो सोच के जाते हैं वो क्रिएट नहीं होता है कभी कभी। तो यही सर, यही चीज मैं बोल रहे हैं कि एक तो प्रैंक वीडियो का डिसीजन, प्रैंक स्टार बनना है सर। बहुत हाँ सारे ऐसे क्रिएटर को प्रैंक स्टार टैग चाहिए कि मुझे प्रैंक स्टार चाहिए, बट होता क्या है ना कि वो बस नाम के प्रैंक स्टार रह जाते हैं और उनके अंदर हिम्मत नहीं आती, और वो जाते हैं और बस यूं ही 10-5 वीडियो बनाते हैं और बोलेंगे कि मेरे से ना हो पाएगा, तो सच में वो लोग से नहीं तो हो पाएगा, क्योंकि मैनेज करना आपका पड़ता है। अगर मतलब एकदम सिंपल वर्ड आपका आंसर लूं तो आप जो कहो कह रहे हो मतलब डटे रहना है। बिल्कुल अच्छा सर, उसमें बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और स्ट्रेंजर के तो साथ वीडियो बनाना तो बहुत डिफिकल्ट होता है कभी यस कभी। यस एग्जैक्टली। तो अभी जो बहुत सारे क्रिएटर आज के इस इंटरव्यू ब्लॉग से जानना चाहता है वो है कि तुक्का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आज के डेट पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मंथली बेसिस पे, अगर आप थोड़ा सा इसको रिवील करो। सर देखिए, कोई भी क्रिएटर का जो फेसबुक और यूट्यूब से पैसा जनरेट कर रहा है ना, उसका फिक्स पैसा नहीं होता है। आप भी अगर सर यूट्यूब और फेसबुक पे है और वहां से पैसा आ रहा है, तो हाँ फिक्स नहीं है कि कभी होता है क्या है कि कभी मंथ में मतलब 100 आ गया और कभी कभी 20 और 25 आता है, तो इस वही मैं कहूंगा, हिसाब अगर ऑन एवरेज आप अगर एक बताना चाहो से। हाँ, ऑन एवरेज आपका यूट्यूब और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म से मंथली ऑन एवरेज कितना मतलब इनकम हो जाता है? सर अगर यूट्यूब की बात करो तो मोटा मोटी मैं इतना बता दूं यूट्यूब के हिसाब से, जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे वीडियोस में मैं नहीं बना पाया, तो एक एवरेज की बात करो तो मुश्किल से आप इतना बोल सकते हैं ना कि अभी अभी के सिचुएशन आप सिर्फ अभी के सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मत बताओ, ऑन जी एवरेज अगर कोई बंदा इसको, क्योंकि क्रिएटर देखेंगे तो उनको एक आइडिया होना चाहिए, सर, कुछ अमाउंट बताना पड़ेगा कि उसके या जगह पे। अगर आप बता सकते हो तो बेहतर होगा, क्रिएटर को एक क्लियरिटी मिलेगा। अमाउंट ही सर, हाँ अमाउंट बता दो रुपीस में, क्योंकि इंडियन ऑडियंस ही देखेगा। हाँ सर, अगर इन यूट्यूब की बात करो तो मोटा मोटी एवरेज के हिसाब से 50 के आसपास। 50 यानी कि कितना, 50 रुपए, 50 हजार, 50 लाख, कितना? सर लाख शायद हो जाए, अच्छा लाख अच्छा तो नहीं सर, मोटा मोटी सर देखे तो वही। एक सर सिंपल वे में अगर समझे तो मेरे पास एक मोबाइल है वीवो कंपनी का, हाँ 25,000 का, हाँ और मैं दो मोबाइल ले सकता हूँ एक यूट्यूब अर्निंग से, मतलब 50 हजार हम कह सकते हैं। जी बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छा होता क्या है कि ये मेरा अर्निंग जो है वो मेरा खुद का नहीं है। अच्छा हाँ आप लोग एज ए टीम इनकम करते हो, ये बिल्कुल तो आपने बिल्कुल पहले ही बिल्कुल बताए हो कि आपके टीम में ऑलमोस्ट 4 से 5 जन लोग काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा और फेसबुक से अगर थोड़ा सा बताओगे अर्निंग कितना होता है? सर अगर फेसबुक की बात किया जाए तो स्टार्टिंग में फेसबुक पे उतना जनरेट नहीं हुआ, फिर अभी फेसबुक का स्थिति जो है थोड़ा सा अभी गड़बड़ है, कुछ मैंने कम्युनिटी के अगेंस्ट वीडियो डाल दिया था जो मुझे या तो ये नॉलेज रीच कम हो गया है, व्यूज कम आ रहा है, उसके नहीं ऊपर पूरा इफेक्ट हुआ है, शायद मैंने एक लिया बार हेल्थ चेकअप भी किया है आपके पेज को, था। जी सर, मगर और फिर भी मोटा मोटी जो मतलब नॉर्मल टाइम पे एवरेज ऑन एवरेज होता है वो ही अगर आप दर्शकों को बताओगे तो। मोटा मोटी अगर सर बताए तो फेसबुक का ये वीवो का मोबाइल मैं 3 ले सकता हूँ। हो मतलब यूट्यूब से ज्यादा इनकम हो रहा हाँ सर, है जब ये तो अच्छा ये एक्चुअली आपसे पूछने का यही मेरा मतलब लक्ष्य है, ताकि जो भी क्रिएटर सोच के आते हैं उन लोगों को मतलब रिलेट कर पाए चीजों को, जैसे बिल्कुल प्रैंक कैटेगरी में वो आए और कितना हो सकता है मोटा मोटी इतने सब्सक्राइबर बेस पे फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो यहां से एक क्लियरिटी मिल जाता है। तो
तो इसीलिए आपसे ये पूछना है। और क्रिएटर को मोटिवेशन की भी जरूरत होते है, तो आपका स्टोरी काफी इंस्पायर करेगा, काफी मोटिवेट करेगा इन लोगों को आगे चल के। सर यहाँ पे एक चीज बोलना चाहेंगे सर कि ये हर मंथ नहीं हो पाता है। हाँ, वो डिपेंड करता है वीडियो के व्यूज पे और डिपेंड करता है वीडियो का क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से। एग्जैक्टली, अगर वीडियो नहीं डालेंगे व्यूज नहीं आएगा, व्यूज नहीं आएगा तो अर्निंग भी नहीं होगा। अगर मैं इस मंथ में वीडियो अगर एकदम से एक भी वीडियो ना डालू तो अगले मंथ मेरा मतलब 5,000 भी, 7,000 भी, 10,000 भी हो पाए कि ना हो पाए, दोनों प्लेटफॉर्म पे मुझे पता नहीं। यस एग्जैक्टली, मतलब कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखना है। बिल्कुल। और उसके साथ आपका, अगर ये तो आपने बता दिया कि YouTube के जो एडसेंस और Facebook के जो इन स्ट्रीम हेड है उसका अर्निंग, इसके अलावा आपका और कोई अर्निंग सोर्स है YouTube एंड Facebook से अगर है तो, अगर थोड़ा सा दर्शकों के लिए रिवील करोगे? सर स्पॉन्सर्स बोल सकते हैं। अच्छा, तो स्पॉन्सर्स तो मतलब जो नॉर्मल अर्निंग होते उससे लोग कहते हैं कुछ ज्यादा ही होता है। सर मैं स्पॉन्सर बहुत कम लेता हूँ, बहुत कम करता हूँ। अच्छा जी, और लेता भी हूँ तो थोड़ा सा सोच समझ कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ अपने चैनल पे तो ऑडियंस अगर मेरे पे अगर ट्रस्ट करके वहां पे जा रही है तो उनको उस चीज से फायदा हो, चाहे वो किसी भी वे में हो। तो क्रिएटर यहाँ पे ये इस बात को भी नोट डाउन करके रख लो, अंधाधुन स्पॉन्सरशिप लेना नहीं है, सोच समझ के आपके ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वो जो आपका गेन होता है वो एटलीस्ट आप ये सोच सकते हो, ये कोई सब्सक्राइबर बेस नहीं बनता, कोई फॉलोअर नहीं बनता, बल्कि आपका एक फैमिली हो जाता है, और फैमिली के साथ जैसे अटैचमेंट होता है वैसे ही और, आपको और आपका ये जो भी स्पॉन्सरशिप करोगे उस पे भी आपको थोड़ा बहुत जो है सोच समझ के देना है। हाँ जी, आप कुछ बता रहे हैं। मैंने जो आपको बताया YouTube अर्निंग के बारे में, हाँ हाँ, वो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स को लेकर मैंने बताया, यूट्यूब रेवेन्यू के अलावा स्पॉन्सर के लेकर मैंने बताया कि मैं दो फोन ले सकता हूँ क्योंकि मैं स्पॉन्सर कम करता हूँ। अच्छा अच्छा जी, ठीक है ठीक है। तो ये तो रहा अर्निंग के बाद, अब बढ़ता हूँ आगे, फेसबुक या यूट्यूब, ये एक आंसर आपको करना है, क्या बोलोगे आप? किस चीज के लिए सर? आपको चॉइस दिया गया है फेसबुक या यूट्यूब, आपको कौन सा चूज करना है? सर आप तो बेटा बेटी में भेदभाव करने के बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको चूज करना है जस्ट, अगर चूज करोगे व्हाई, ये आपको आंसर करना है। सर मेरे लिए दोनों बराबर है। नहीं, यहाँ पे अगर आपको एक चूज करने के लिए बोला जाए तो कौन सा चूज करोगे? सर ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। फिर भी अगर आप थोड़ा सा कहना चाहो, बेझिझक कहो, आपको जो पसंद है वो कह सकते हो ना, मतलब दोनों ही पसंद है, दोनों से ही पैसा आ रहा है तो दोनों को ही छोड़ना नहीं है, मगर फिर भी एक पर्सनल चॉइस बता, मतलब दर्शकों के बताओगे तो अच्छा रहेगा। सर मैं पर्सनल चॉइस बताऊं तो मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम और एक है लखन। तो आपने बहुत ही चतुराई से इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। मेरे लिए दोनों अनमोल है सर। तो क्योंकि मैंने अगर यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब से, और YouTube पे मैं आकर यहाँ पे अपना ब्रांड वैल्यू अगर बना रहा हूँ YouTube पे, मैं एज अ क्रिएटर वहां सामने आ रहा हूँ। यस yes, yes. और Facebook पे कहीं ना कहीं मुझे इसका फायदा दिखा है। अच्छा। तो दोनों को मुझे बैलेंस करके मैं चलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं है 1% भी। अच्छा। ना ही पैसे के मामले में, ना ही व्यूज के मामले में। हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर एक बाप दो बेटा पैदा करता है तो कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, किसी की इज्जत ज्यादा होती है, किसी की पैसा ज्यादा होती है। तो आप ये बोल सकती हो कि मेरे लिए दोनों एक समान है, दोनों बेटा के समान है, राम लखन के समान है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फाइनली आपसे कहूंगा कि आप दीप्तनुशील ब्लॉग के ऑडियंस के लिए, या फिर आप जो चैनल पहले विजिट किए हो दीप्तनुशील, उसके ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हो। सर आपके ऑडियंस के लिए और आपके लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे नॉलेज देने के लिए। अगर कहीं ना कहीं मैं फेसबुक को ऑपरेट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं फेसबुक को चला रहा हूँ, सर मैं जैसे एग्जांपल मैंने दिया ना कि एक है राम तो एक है लखन, तो अगर मैं बेटा को पढ़ा रहा हूँ किसी अच्छे टीचर से और बेटा मेरा अगर काबिल बनता है तो वो सारा श्रेय मेरा नहीं, वो सारा सिर्फ टीचर का जाता है, तो वो टीचर आप हो सर। ये तो आपका बराबर है कि आप ऐसा कह रहे हो, मगर मेहनत तो आफ्टर ऑल आप लोग ही कर रहे हो, आपका टीम कर रहा है, तो आपको वो जो क्रेडिट है वो आपको खुद को जाता है और आपके टीम को जाता है जो आपको सपोर्ट इतना कर रहे हैं। सर आप ऐसे टीचर है ना जो बिना किसी मोह माया का, बिना किसी लोभ के आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं, दूसरे को नॉलेज दे रहे हैं,
तो सर आपसे हम लोग बहुत सीखे हैं और थैंक यू सो मच। और जो भी लोग सर का वीडियो देख रहे हैं उन लोग से मैं यही बोलूंगा कि अगर आप किसी भी रीजन से सर के चैनल पे हो तो प्लीज सर की वीडियोस देखो। एक एक वीडियो का एक एक मिनट और एक एक सेकेंड जो होता है ना वो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो अभी आप क्रिएटर के लिए जो आपको देख के इंस्पायर हो रहा है और इस इंटरव्यू ब्लॉग को देख रहा है, उनको अगर कुछ फाइनल मैसेज देना चाहो। सर अगर मैसेज की बात करें तो क्रिएटर को जो भी देखना जो क्रिएशन करना शुरुआत करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं और किसी भी रीजन से डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मैं आपको बोलूंगा मैं आज भी डिमोटिवेट होता हूँ जब मेरा व्यूज नहीं आता। तो मैं आज भी डिमोटिवेट होता हूँ, मैं आज भी रोता हूँ बैठ कर, लिटरली मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं मेरे चैनल पे मेरे पेज से व्यूज नहीं जाते हैं। तो पैसा एक तरफ व्यूज एक तरफ, अगर नहीं जाते तो मैं रोता हूँ सर बैठकर। मेरे टीममेट ना मेरे को समझाती है कि बाबू छोड़ो दानिश छोड़ो हो जाएगा ये वीडियो, थोड़ा सा हो सकता है किसी रीजन से व्यूज नहीं किया हो अगला वीडियो पे व्यूज आएगा। तो तो बस इतना ही बोलूंगा कि लगे रहो, अगर करना है तो पैसा को छोड़ दो, पैसा को मत देखो कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। पैसा कमाने के लिए आए हो, बिजनेस करने के लिए आए हो तो छोड़ दो, नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्रिएटर बनने के लिए आए हो लगे रहो, जरूर होगा। कंटिन्यूअसली लगो। ऐसा नहीं कि आज एक वीडियो डाल दिए फिर नेक्स्ट 2 मंथ 1 मंथ बाद वीडियो डाल रहे हैं, नहीं। एक एल्गोरिथम होता है, एक ट्रिक होता है और उस एल्गोरिथम और ट्रिक के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एक कंटिन्यूअसली एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, कंटेंट को दिखना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा बिना किसी डिमोटिवेशन के, और आपको पागल बनना पड़ेगा। अच्छा बात किया है दानिश भाई आपने। आपने थैंक यू आपका सो मच। कीमती वक्त निकाला, हमारे चैनल पे आया और बहुत सारे न्यू क्रिएटर को इतना अच्छे से आपने समझाया, मोटिवेट किया। आपके इस इंटरव्यू से काफी लोग इंस्पायर भी होंगे और आगे चल के आप ही के जैसा कोई नया दानिश का जन्म होगा। तो इसी बात पे मैं आपको कहूंगा कि थैंक्स वंस अगेन कि आपने इतना वेलुएबल टाइम निकल के मेरे चैनल को टाइम दिया, मेरे ऑडियंस को टाइम दिया। आज के इस इंटरव्यू ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करूंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पे अपना नाम कर दो दोस्तों। बाय।